बालाकोट एयर स्ट्राइक की पांचवी बरसी पर भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। भारत के एक फैसले की वजह से पाकिस्तान में हड़कंप जैसे हालात हो सकते हैं। पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए भारत का ये कदम एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल भारत ने रावी नदी के जरिए पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी पर पूरी तरह रोक लगा दी है। भारत ने शाहपुर कंडी परियोजना के तहत बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को भारत की ओर डाइवर्ट कर दिया है। भारत करीब 45 सालों से रावी नदी पर बांध बना रहा था, लेकिन इसे लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच विवाद था। इसी वजह से ये परियोजना कई सालों तक रुकी रही और भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान में बहता रहा। साल 2018 में दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता कराकर केंद्र सरकार ने शाहपुर कंडी परियोजना का शिलान्यास किया और करीब 2793 करोड़ रुपए की लागत से ये बांध बनकर तैयार हुआ। जानकारी के मुताबिक भारत ने पठानकोट स्थित शाहपुर कंडी बांध का गेट बंद कर दिया है, जिसकी वजह से रावी नदी का पानी अब पाकिस्तान नहीं जा सकेगा। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। इसके मुताबिक रावी, सतलुज और ब्यास नदी के पानी पर भारत का हक है, वहीं सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के पानी पर पाकिस्तान का हक है। बांध न बनाए जाने के कारण रावी का पानी पाकिस्तान की ओर जा रहा था, पर अब रावी के पानी का इस्तेमाल पंजाब और जम्मू कश्मीर के किसान सिंचाई के लिए कर सकेंगे। इस बांध में करीब 400 फुट तक जल भंडारण होने के बाद इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाएगा। इससे जम्मू कश्मीर की 32,000 हेक्टेयर भूमि और पंजाब की 5,000 हेक्टेयर भूमि को पानी मिलेगा। इसके साथ ही इस परियोजना से करीब 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जा सकेगा। साल 1979 में पंजाब और जम्मू कश्मीर की सरकारों के बीच रंजीत सागर बांध और डाउनस्ट्रीम शाहपुर कंडी बैराज बनाने के लिए एक समझौता हुआ था। उस वक्त समझौते पर जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद साल 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस परियोजना की नींव रखी थी। इस परियोजना को साल 1998 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया था। रणजीत सागर बांध का निर्माण 2001 में पूरा हो गया, लेकिन शाहपुर कंडी बैराज नहीं बन सका और रावी नदी का पानी पाकिस्तान में बहता रहा। साल 2008 में शाहपुर कंडी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, जिसके बाद साल 2013 में इसका निर्माण शुरू हुआ, लेकिन 2014 में पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच विवादों के कारण ये परियोजना फिर से रुक गई थी। आखिरकार साल 2018 में केंद्र सरकार ने पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच मध्यस्थता की और साल 2024 में ये बांध बनकर तैयार हो गया। अब पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों में सिंचाई के लिए किया जाएगा। करीब 1150 क्यूसेक पानी से 32,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और बांध से पैदा होने वाली बिजली का भी उपयोग किया जा सकेगा। इस बांध के पानी से जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के किसानों को मदद मिलेगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।